गोरखपुर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को एक साथ 69 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें से 23 मरीज शहरी क्षेत्र के हैं। गोरखपुर में अब तक कोरोना के 907 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 464 स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पतालों से डिस्चार्ज किया जा चुका है। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिले में फिलहाल 424 एक्टिव मरीज हैं। अब तक 19 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, जनपद में गुरुवार को 69 कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 907 हो गई है। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। आज 464 संक्रमितों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल 424 मरीज एक्टिव हैं, जबकि 19 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि गुरुवार को मिले मरीजों में से 23 गोरखपुर शहर के हैं। आज जो मरीज मिले हैं उनमें से 4 मूक बधिर विद्यालय हुमायूंपुर के हैं। वहीं 3-3 मरीज पुलिस लाइन और सहजनवा से मिले हैं। 2-2 मरीज अलीनगर और तारामंडल में मिले हैं। इसके अलावा 1-1 मरीज तहसील सदर कार्यालय, कमिश्नर ऑफिस, प्रीतमपुरा, हुमायूंपुर, SDM ऑफिस, पंचायती राज कार्यालय, कूड़ाघाट, नियाजपुर, नरौल, मालवीय नगर, एयरफोर्स हॉस्पिटल, सदर कैंट थाना विशुनपुरा में मिले हैं। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव पाए गए मरीजों के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम सैनिटाइजेशन से लगाए अन्य कार्रवाई में जुट गई है।